बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वाणी। नाज़रीन, आपको बता दें आज हम मौजूद हैं टाउन हॉल कुंजर में और यहां पर आज एक बुक रिलीज फंक्शन है। जी हां नाज़रीन, आपको बता दें आपने अक्सर देखा भी होगा या सुना भी होगा मुंतज़िर मोमिन वाणी, जो अक्सर डिफरेंट सोशल इशूज़ को लेकर बात करते हैं सोशल मीडिया पर। तो नाज़रीन, आज इसकी जो दूसरी किताब है उसकी यहाँ पर आज सेरेमनी थी, बुक रिलीज सेरेमनी थी। और जो आज यहाँ पर बुक रिलीज हुई है, इस किताब का नाम है फिक्र इकबाल, जो मुंतज़िर मोमिन वाणी ने लिखी है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे यहाँ पर वाणी के कुछ मशहूर अदीब कलमकार भी मौजूद थे और कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कुंजर को लेकर, कुंजर के हायर सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या अदर स्कूल्स की बात करें, उनके स्टूडेंट्स भी यहां पर इस प्रोग्राम में शामिल थे। मोहब्बत के लिए दिल डोंट कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए दिल डोंट कोई टूटने वाला, ये उम्मीद है जिसे रखते हैं नाजुकियों में। यहाँ पर हमारे टीचर्स को अनुकूलत से वास्ता एक उस्ताद जनाब श्रीमी साहब तशरी फरमा है। As it is said by Shakespeare that brevity is the soul of wisdom, so I would like to present my views in different knots and you have to untie those knots by yourself. Brief and concise way, we see that in this age of haste, in this age of hurry, we are not having the time to come out from the materialistic pursuits, but I offer my heartfelt salutes to my kith and kin, Mr. Muntazir Mumin Sahab, who have given a very good book to our society. सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें मौका दिया तालीमी प्रोग्राम मुनक्किद करने का। आप साहब की बरादरी का मैं इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाई। रही बात आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज प्रोग्राम के कई मकासद हैं। सबसे पहले किताब की रस्म रहनुमाई फ़िक्र इकबाल, और फ़िक्र इकबाल की इस किताब में जो भी मजामीन दर्ज हुए हैं उनमें फ़कत यही बात है कि फला फूला रहे यारब चमन, मेरी उम्मीदों का जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। सोशल मीडिया से लेकर कलमी दुनिया तक मैं जितने भी काम करता हूँ फ़कत इस बात के लिए कि हमारे बच्चे तालीम और तरबियत के लिहाज से लेस होने चाहिए, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान का मुकद्दर सिर्फ इसी बात में पोशीदा है, और मुकद्दर तब चमकेगा जब हमारी तालीम और तरबियत सही होगी। और रही बात गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की, शायद ये कहना गलत नहीं है कि हम तालीम तौर इंतहा गरीब हैं। वो बात अगर साइनिसी तौर नज़रों के हवाले से, देखने के हवाले से हम, मेरे पास इंतहाई सनत याफ्ता नौजवान बहुत है, लेकिन अगर तालीम को हकीकी नज़रों से देखा जाए, जिसमें इखलाकी, जिसमें बाकी जितने भी शोबों की तरक्की है, तो इसमें हम शायद कमज़ोर हैं। इसके हवाले से आज का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका सिर्फ ये मैसेज थी, यही पैगाम था कि वालिदैनों को उजागर किया जाए, बच्चों को उजागर किया, सोसाइटी को उजागर किया जाए, और जितने भी सोसाइटी में एक्टिव पर्सन है जिसमें सहाफती बरादरी एक खास मुकाम रखती है, और जितने भी सोशल दुनिया में काम करने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अफराद हैं, उनके नाम भी पैगाम था कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो सबसे ज़रूरी अवलीन फुर्सत में काम करनी है वो तालीम के लिए काम करनी है। यहाँ के कोचिंग सेंटर्स, यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स, यहाँ के गवर्नमेंट असातिज़ा या गवर्नमेंट स्कूल्स को मजबूत बनाना है, तब जाके हम मुल्क या दुनिया को पैगाम दे सकते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं। अल्लाह मश फरमाओ कि ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाल इल्म इरफ़ान है, उम्मीद है खुदा के राज ना उम्मीद। अल्लाह ताला तश फरमाओ कि ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, मैंने रहमत निशन मगसु ना उम्मीद की। यूँ जन अजीज तकरीब सपज यथ जन मुंतज़िर मोमिन साहब किताब फ़िक्र इकबाल यूँ जन किताब ये रिलीज़ गई अम रस्म रहनुमाई सपज, यह यही मैसेज दिवान कि सान बच्चन पज ब्रोह कुन इलमी तदबुरस तफकुरस कम हिन्न तो पुन यह कारवान इतने कन सिलसिले इतने कन ब्रोह कुन पकन। तो यह मोबाइल कल्चर
گومت امک ایڈکٹ چیز بنیامت یا ڈرگ چھ یا باقی چیز چھ یا باقی باقی کامن مزن بر کامن مزن یا نیگیٹو کامن مزن سون یوت گومت چن ولت تمن پز برخون یت تمن پز مطالعہ زیاد سے زیاد کرن کتاب بینی ہن شوق ود کرن موبائل ترک کرت کتاب پری یا زن سائن ادیبن ہن سائن سائنس دان ہن یا باقی مفکرن ہن تہنس کتاب پرت تمن تہ پز پنی علمی یت دانشس کام ہی پنی علمی تدبرس کام ہی تہ اسے کتاب تحریر کری شکریہ.